चेयरमैन नैब की जेर सदारत आला सतह के इजलास में तमाम दफातर के औकात कार में कमी कर दी गई। नैब की जेर हिरासत तमाम मुलजमान की स्क्रीनिंग कराने का भी फैसला किया गया। जावेद इकबाल कहते हैं कि कोरोना वायरस से तहफ्फुज़ सिर्फ एहतियात से ही मुमकिन है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की जेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में तमाम नैब अफसरान ने 3 से 4 फुट का फासला रखा। नैब एलामिया के मुताबिक इजलास के दौरान लॉकडाउन पाबंदी के साथ अदालतों में प्रोसिक्यूटर्स की हाजिरी यकीनी बनाने का फैसला किया गया। प्रोसिक्यूटर्स की हाजिरी यकीनी बनाने का मकसद मुकदमात की अदम पैरवी पर खारिज से बचाना है। एलामी के मुताबिक नैब के तमाम दफातर में औकात में कमी कर दी गई। दफातर सुबह 9 बजे से दिन 2 बजे तक खुलेंगे। नैब डायरेक्टर जनरल अपने अफसरान और अहलकारों में 50% कमी करेंगे। ब्लड प्रेशर और शुगर वाले 50 साल से जायद उम्र के अफसरान को सिर्फ जरूरी काम के लिए बुलाया जाएगा। नैब की जेर हिरासत तमाम मुलजमान की स्क्रीनिंग कराने का भी फैसला किया गया है। इजलास में चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का मजीद कहना था कि कोरोना वायरस से डरना नहीं बल्कि लड़ना है। कोरोना वायरस से तहफ्फुज़ सिर्फ एहतियात से ही मुमकिन है। तमाम नैब अहलकार कोरोना की अलामत जाहिर होने पर फौरी अपने DG को बताएं। मुलजमान के लिए ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइजर्स का भी इंतजाम किया जाएगा।